के उद्देश्य से करीब 450 करोड़ की लागत से 56 दुकान क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाई जाएगी और स्मार्ट लुक दिया जाएगा। निगमायुक्त के मुताबिक आगामी सप्ताह में कार्य शुरू हो जाएगा। इंदौर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 56 दुकान से इसकी शुरुआत की जा रही है, जहां 4 से करीब 4.5 करोड़ की लागत से 56 दुकान क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाई जाएगी, जहां लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाने पर कार्य शुरू होने जा रहा है। निगम कमिश्नर की माने तो आगामी 8 से 10 दिनों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हो जाएगा। इस कार्य के लिए निगम द्वारा DPR बनकर तैयार हो चुकी है। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह से क्षेत्र को सुसज्जित करने पर कार्य शुरू होने जा रहा है। निगम आयुक्त के अनुसार कार्य शुरू होने के साथ ही यहां एक टाइमर भी लगाया जाएगा, इससे यह पता चलेगा कि कितने दिनों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का यह कार्य पूरा होगा। देखिए, 56 दुकान को एक स्मार्ट सिटी की अवधारणा के तहत एक स्मार्ट लुक दिया जाए और प्लस जो वहाँ का कला और संस्कृति का जो एक तत्व है उसको भी अक्षुण रखा जाए, इस तरीके का हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, जिसमें उसको पूरी तरीके से नॉन मोटराइज जोन, नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा और 2 पार्किंग जो हम लोगों ने नजदीक में आइडेंटिफाई करी है उनका वहाँ पर प्रयोग होगा। इसके अलावा लोगों को बैठने के लिए वहाँ पर कैनपीज, वाटर बॉडीज और दूसरे जो पौधे वगैरह हैं वो हम लोग वहाँ पर डेवलप करेंगे। और जो इस पूरी योजना है, हम लोगों ने न केवल जनप्रतिनिधियों के साथ में उसको शेयर किया था, बल्कि जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने शेयर किया था। सभी के द्वारा बहुत प्रसन्नता उस पर जताई गई है और ये मांग की गई है कि बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। हम लोग 8 से 10 दिनों में इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे और स्मार्ट सिटी के तहत हम लोग ये पहला प्रयोग करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट जब हम शुरू करेंगे तो उसके साथ साथ एक वहाँ पर टाइमर सबसे पहले उद्घाटन के समय लगाएंगे, जो टाइमर ये दिखाएगा कि प्रोजेक्ट को खत्म होने में कितने दिन शेष है। तो हम लोग अपनी प्लानिंग करेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, उसके हिसाब से दिन तय करेंगे और उसका टाइमर लगाया जाएगा, उस टाइमर के हिसाब से ही जिससे काम कम्प्लीट हो सके। ये लगभग 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जिसकी DPR हम लोगों ने बनाई है, उसका काम हम लोग जल्दी